सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते सारे मसाइल हल हो जाते। जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस मुनीब ने कहा सियासी जमात के इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाजे की वजह बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा, पाकिस्तानी ताजरों और सरमाकारों का बड़ा वफ़द भी उनके हमराह है। अदालतों को इदराक होना चाहिए कि साइफर एक हकीकत है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से साइफर केस का फैसला आने के बाद कानूनी उमूर के हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि साइफर अपीलों का तफसीली फैसला आएगा तो देखा जाएगा। फैसला पढ़ने के बाद अपील में जाने या ना जाने का फैसला होगा। साइफर की डी क्लासीफाइड तमाम कॉपियां वजारत खारजा को वापस मौसूल हो गई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने साइफर की डी क्लासीफाइड कॉपियां दफ्तर खारजा को वापस कर दी। पीटीआई हुकूमत में साइफर कॉपियां चीफ जस्टिस, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ऑफिस को अरसाल की गई थी। जरा के मुताबिक साइफर की डी क्लासीफाइड कॉपियाँ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस से वापस दफ्तर खारजा जमा करवाई गई थी। बानी पीटीआई से मुतालिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानून के तहत फैसले करेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई का दफ्तर फौरी डी सेल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से नया तर्मीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने या ना होने पर तफसील मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने नैब ऑर्डिनेंस के जरिए जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया था कि यह ऑर्डिनेंस महज एक सियासी जमात के लिए जारी किया गया है। सरमाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से इनकारी है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमारी हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद से अच्छे माशी इरादों शुमार सामने आ रहे हैं। आलमी शरीदे भी हमारी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जबकि इससे कबल डिफॉल्ट की बात होती थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान अगर तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं तो ये कयामत की निशानी होगी। गवर्नर के पी के ने साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टो से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अदलिया मुखालिफ बयान पर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। बयान हल्फी में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, अदलिया और जजेस के अख्तियार और साख बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाउस स्टेफर्ड स्मिथ ने दावा किया है कि डॉक्टर आफिया को जेल में एक बार फिर जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। अमरीका की रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा, दो हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सजा के तौर पर ज्यादती की। भारत की 543 रुकनी पार्लियामेंट लोकसभा के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतखाबात के नतीजे को देखते ही इब्तदाई रुझानात में मोदी की बीजेपी को बड़े अपसेट का सामना है। बीजेपी को 239 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है और बीजेपी इतिहाद एनडी 294 नशिस्तों पर आगे है, जबकि कांग्रेसी इतिहाद इंडिया 234 नशिस्तों पर आगे है। अपोजिशन जमात कांग्रेस 97 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। एग्जिट पोल में मोदी के इतिहाद एनडीए की बड़ी कामयाबी की पेशगोई की गई थी, लेकिन बीजेपी की जेर क्यादत इतिहाद को भारी अक्सरियत मिलने का इम्कान नहीं है। मशहूर भारतीय अदाकारा कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा के इलेक्शन में कामयाब हो गई हैं। अदाकारा की कामयाबी से मुतालिक खबरें भारतीय मीडिया पर जेर गर्दिश हैं। दूसरी जानिब से कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। अदाकारा का अपने इंस्टा पोस्ट में आवाम से मुखातिब होते हुए लिखना है कि इस तआवुन मोहब्बत और एतमाद के लिए मंडी के तमाम लोगों की तहे दिल से मशकूर हूँ। ये आप सबकी जीत है, ये वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी की जीत है। मलिक की साबिक अहलिया सानिया मिर्जा का कहना है कि मुझे अभी दूसरी मोहब्बत ढूंढनी है। कॉमेडी प्रोग्राम में शो के मेजबान ने सानिया मिर्जा को याद दिलाया कि शाहरुख खान ने आपसे एक मर्तबा कहा था कि आप पर फिल्म बनी तो आपकी मोहब्बत का किरदार वो अदा करेंगे। सानिया मिर्जा ने इस पर जवाब दिया कि अभी मुझे मोहब्बत ढूंढनी है, मुझे मोहब्बत की तलाश है। बॉलीवुड अदाकार वरुण धवन भी बेटी के बाप बन गए। मारूफ अदाकार वरुण धवन के वालिद और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने मुंबई के मकामी अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वरुण धवन और नताशा दलाल बेटी के वालिदैन बन गए हैं। डेविड धवन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। अपने वालिद के साथ मौजूद वरुण धवन ने कहा कि सब ठीक है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हरीम फारूक ने पाकिस्तानी ड्रामों के स्क्रिप्ट्स पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। हरीम फारूक का कहना था, जिस तरह मीडिया हमारे मुआशरे का आकाश है, उसी तरह मुआशरा मीडिया का आकाश है। ड्रामों के स्क्रिप्ट से मुतालिक उनका कहना था, हम ये नहीं कह सकते कि हमें खास किस्म का मवाद नहीं बनाना चाहिए। ड्रामा सीरियल तेरे बिन हिट हो गया, इसलिए हर कोई इस किस्म के स्क्रिप्ट का मुतालबा कर रहा है।